मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की जगह अब मोहन यादव का राज होगा। वैसे तो मोहन यादव की छवि पर कोई दाग नहीं रहा, लेकिन अपनी अमर्यादित और असंयमित भाषा की वजह से वो कई बार सुर्खियों में रहे। साल 2020 के उपचुनाव में चुनाव आयोग ने यादव के चुनाव प्रचार पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया था। चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई चुनावी सभाओं में अभद्र भाषा के इस्तेमाल की वजह से की थी। उनके विरोधी सीएम बनाए जाने की घोषणा होने के बाद ये बयान सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव ने सीता के जीवन को तलाकशुदा महिलाओं जैसा बताया था। उज्जैन के कार्यक्रम में कार सेवकों को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा था, जिस सीता माता को राम इतना बड़ा युद्ध करके लाए, उन्हें गर्भवती होने पर भी राज्य की मर्यादा के कारण छोड़ना पड़ा। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। इसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। भगवान राम के गुणों को बताने के लिए उन्होंने बच्चों को भी संस्कार दिए। सीता के धरती में समाने के प्रसंग को लेकर यादव ने कहा था, आज की भाषा में इसे आत्महत्या कहा जाता है। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। इसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। अब मोहन यादव सोशल मीडिया पर दोनों हाथ से तलवारबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथों से तलवारबाजी करते हुए वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। वैसे ही आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जहां इनके तेवर ही अलग नजर आ रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी और संघ के पुराने सेवक मोहन यादव कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में हैं। 1984 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP में उज्जैन के नगर मंत्री हुआ करते थे, और 7 साल बाद 1991-92 में राष्ट्रीय मंत्री बन गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनका नाता रहा है। 1993 में वो RSS के उज्जैन नगर के सहखंड कार्यवाह थे। आपको बता दें कि उन्होंने विधायक से मुख्यमंत्री का सफर भी केवल 10 साल में ही पूरा कर लिया है। 2013 के चुनाव में वो पहली बार विधायक बने थे, 2018 में भी जीते, और जुलाई 2020 में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल किया। इसके 3 साल बाद ही वो शिवराज की जगह मुख्यमंत्री चुन लिए गए।